दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ और मसूरी का 3 दिन का टूर प्लान बताने वाला हूँ। कैसे आप मात्र 3 दिन में ये सभी जगह अच्छे से घूम सकते हैं और वो भी बहुत ही चीप एंड बेस्ट कन्वीनियंट तरीके से। तो घर बैठे बैठे बोर मत होइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके बेहद काम आएगी अगर आप भविष्य में कभी भी हरिद्वार, ऋषिकेश या नीलकंठ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, मसूरी की ऐसी डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब या कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों हरिद्वार सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों से ही पूरे देश से वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नाम से जाना जाता है। देहरादून और हरिद्वार के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और देहरादून से हरिद्वार तक के लिए आपको बसेस और इसके अलावा टैक्सी भी मिल जाएगी। टैक्सी वाले चार्ज करते हैं करीब 1200 से 1500 रुपए तक। बट अगर आप ट्रेन या बस से आते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्सी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हर की पौड़ी के मेन रोड पर ही स्थित है और दोनों लगभग आमने सामने हैं। हरिद्वार के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी के बीच की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है, जहां तक आपको रिक्शा मिल जाएंगे जो आपसे चार्ज करेंगे एक पैसेंजर का 20 से 30 रुपए तक। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल सभी के मन में यही आता है कि रुकने के लिए चीप एंड बेस्ट होटल कहां मिलेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ सस्ते से महंगे के क्रम में सबसे अच्छा तरीका हरिद्वार में स्टे करने का। देखिए, अगर आपका बजट कम है तो आप हरिद्वार में डॉर्मेट्री में रह सकते हैं। ये जो डॉर्मेट्री आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये डॉर्मेट्री हरिद्वार की सबसे बेस्ट डॉर्मेट्री में से एक है। यहाँ पर एक व्यक्ति का वो चार्ज करते हैं 120 रुपए पर बेड, जिसमें आपको एक बेड, चादर, तकिया और कंबल दिया जाता है। पूरे हॉल में काफी सारे बेड मौजूद रहते हैं। अगर आप 2 से 3 लोग या काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप कम बजट में हरिद्वार में स्टे करना चाहते हैं तो इसमें आपको कॉमन वॉशरूम भी दिया जाता है, साथ में पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था मिलती है। और इसी डॉर्मेट्री में आपको रूम भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिनके चार्जेस रहते हैं करीब 400-500 तक। बहुत अच्छे रूम यहाँ मिल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप किसी धर्मशाला में रुक सकते हैं। हरिद्वार में यूँ तो बहुत सी धर्मशालाएं हैं और सभी के बारे में बता पाना काफ़ी मुश्किलों भरा हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन जो धर्मशालाएं हरिद्वार में हैं वो रेलवे स्टेशन से लेकर हर की पौड़ी के बीच के मेन रोड पर ही अवेलेबल है। आप चाहें तो किसी भी धर्मशाला में रूम ले सकते हैं, जिनका चार्ज 300 से 800 रुपये तक रहता है। अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। प्राइवेट रूम की भरमार है पूरे हरिद्वार में। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक करने की एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि हरिद्वार में जितने भी ओयो या किसी दूसरी ब्रांड के होटल्स हैं वो हरिद्वार हर की पौड़ी से काफ़ी ज़्यादा दूर स्थित है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी या कोई टैक्सी लेकर आए हैं तो आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी पर्सनल कार या टैक्सी नहीं लाए हैं तो आपको ऑनलाइन होटल बुक करने के बाद काफ़ी असुविधा हो सकती है। तो ऐसे में आप ऑन द स्पॉट आकर ही रूम बुक करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और प्राइवेट होटल आपको 400 से लेकर 2000 रुपए तक के मिल जाएंगे, जिसमें सभी तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्राइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ आती है खाने के बारे में। काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं कि आप खाने के बारे में फुल डिटेल दिया कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हरिद्वार में आपको किसी भी तरह की खाने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हरिद्वार में सभी तरह का साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जैसा भी आप फूड लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और थाली की बात करें तो हरिद्वार में जो स्टार्टिंग है वो 50 रुपये से शुरू हो जाती है, जो 300 से 350 तक हो सकती है। इसके अलावा हरिद्वार हर की पौड़ी पर चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं। और मोहनपुरी वाले जो हर की पौड़ी के ठीक पास में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है हरिद्वार की। अगर आप हरिद्वार मॉर्निंग में 6-7-8 बजे तक भी पहुँच जाते हैं तो आप अपना रूम लेने के बाद या जो भी आपने बुक किया है वो रूम या डॉर्मेट्री लेने के बाद आप फ्री हो जाते हैं और अब आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रूम लेने के बाद हर की पौड़ी आ जाइए, वहाँ पर आप गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद आप
ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं जो नज़दीक हर की पौड़ी के आसपास ही हैं। जो भी मैं रेस्टोरेंट के नाम बताए थे आपको, मोहनपुरी वाले या चोटी वाला रेस्टोरेंट, वो ठीक हर की पौड़ी के ही पास में स्थित है। अगर आप हरिद्वार की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, जो गंगा आरती होती है, तो उसका टाइमिंग मॉर्निंग में तो सुबह 6 बजे है, लेकिन आप शाम को होने वाली आरती में सम्मिलित हो सकते हैं जो शाम को 6 बजे होती है। आरती के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ कि आप करीब से आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, तो आप ब्रह्म कुंड के आसपास खड़े हो जाइए, वहाँ पर आरती आप बहुत करीब से देख पाएंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी पे गंगा जी में स्नान करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, आप मनसा देवी और चंडी देवी यात्रा पर जा सकते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी यात्रा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रॉली से चले जाइए या फिर पैदल चले जाइए। मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। हर की पौड़ी की तरफ से जब आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की ओर आएंगे, तो राइट हैंड पर आपको पहला रास्ता मिलेगा मनसा देवी यात्रा के लिए। ये जो पहला रास्ता है ये पैदल मार्ग है, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो इस मार्ग से जा सकते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद मेन रोड पर एक दूसरा रास्ता आपको मिलेगा मनसा देवी यात्रा के लिए। यह रास्ता वो रास्ता है जहां पर आपको ट्रॉली या उड़न खटोले का टिकट मिल जाएगा। अगर आप ट्रॉली से यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कंबाइंड टिकट ले लीजिए, जिसमें मनसा देवी और चंडी देवी दोनों की यात्रा आप ट्रॉली से कर पाएंगे, और साथ में मनसा देवी और चंडी देवी तक पहुंचने के लिए बीच के लिए आपको व्हीकल की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कंबाइंड टिकट होता है वो रहता है करीब 384 रुपए का। इसमें मनसा देवी ट्रॉली, चंडी देवी ट्रॉली और दोनों के बीच के लिए व्हीकल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप मनसा देवी की यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो आप पैदल कर सकते हैं। बट एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप पैदल मनसा देवी की यात्रा कर लीजिए, बट मनसा देवी ट्रॉली काउंटर से ही आप व्हीकल का टिकट ले लीजिए, जो आपको एक पैसेंजर का पड़ेगा 70 रुपये। उसके बाद अगर आप चंडी देवी की ट्रॉली से यात्रा करना चाहते हैं तो मनसा देवी टिकट काउंटर से ही आपको टिकट मिल जाएगा चंडी देवी यात्रा के लिए। बट अगर आप दोनों यात्रा ट्रॉली से करना चाहते हैं तो कंबाइंड टिकट लीजिए, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। इसमें दिव्यांगों को कंसेशन मिल जाता है, बच्चों के लिए भी कंसेशन मिलता है। अगर बच्चों की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम है तो उनका आधा टिकट लिया जाता है। और ये कंबाइंड टिकट के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसकी वैलिडिटी 3 दिन तक रहती है। मान लीजिए आपने टिकट आज खरीदा तो अगले 3 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वन वे टिकट की भी फैसिलिटी यहाँ आपको मिल जाती है। अगर आप मनसा देवी का वन वे टिकट लेना चाहते हैं तो 84 रुपये का आपको मिल जाएगा, और चंडी देवी का टिकट जाने और आने का एक पैसेंजर का रहेगा 193 रुपये, और वहीं मनसा देवी मंदिर का एक पैसेंजर का जाने आने का टिकट करीब रहेगा 121 रुपये। तो चॉइस आपकी है, आप जिस भी तरीके से जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। जो व्हीकल वाले टिकट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 70 रुपये का जो टिकट होता है वो ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि जब आप चंडी देवी यात्रा पूरी करने के बाद नीचे शाम तक आएंगे तो चंडी देवी मंदिर मार्ग से हरिद्वार तक हर की पौड़ी के आसपास आने के लिए आपको व्हीकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि मुझे उस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी जब मैं पहले एक बार गया था, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मनसा देवी ट्रॉली काउंटर से व्हीकल टिकट अवश्य लें। अगर आप कंबाइंड टिकट लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, बट अगर आप मनसा देवी पैदल जा रहे हैं और चंडी देवी यात्रा ट्रॉली से करने वाले हैं तो साथ में व्हीकल टिकट भी ज़रूर ले लें। ये हो जाती है आपकी डे वन की जर्नी। दोनों यात्रा करने के बाद आप वापस हरिद्वार अपने रूम में, अपनी डॉर्मेट्री में, अपने होटल में आ जाइए, डिनर कीजिए, विश्राम कीजिए। ये फर्स्ट डे की जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। ट्रॉली में सफ़र करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहता है। इसके बाद नेक्स्ट डे यानी डे टू में आप ऋषिकेश जा सकते हैं। हर की पौड़ी से आप चाहें तो ऋषिकेश के लिए जो बाईपास है वहाँ तक पैदल ही आ सकते हैं। सिर्फ गंगा रिवर आपको पुल द्वारा क्रॉस करनी होगी। जो सामने आप रोड देखेंगे वही ऋषिकेश रोड है, और वहाँ से आपको व्हीकल मिल जाएगा। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो 50 रुपये चार्ज करते हैं ऑटो वाले हरिद्वार से ऋषिकेश तक। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल आप लेकर आए हैं तो आप वो आपको पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा। पार्किंग आपकी उसी रोड पर मौजूद है हर की पौड़ी पर। गंगा पार्क करने के बाद आपकी गाड़ी, आपकी पर्सनल गाड़ी या टैक्सी जो भी है, आप उसे हर की पौड़ी तक मेन हरिद्वार से या बस स्टैंड के पास से नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको, आप कहीं से भी आइए, आपको बाईपास की पार्किंग में ही अपनी गाड़ी लगानी होगी। वहीं पर
आपको पार्किंग शुल्क भी देना होगा, 50 से 100 रुपए सीजन के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। बट अगर आपके पास कोई अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो से भी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। एक पैसेंजर का 50 रुपए लिया जाता है। 1.5 से 2 घंटे में वो ऋषिकेश पहुंचता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है ऋषिकेश में। वो ऑटो आपको ऋषिकेश में राम झूला के पास ड्रॉप करेगा। वहां से आप राम झूला पार करने के बाद ऋषिकेश में पूरी तरह से एंट्री कर जाएंगे। मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक नाइट का स्टे ऋषिकेश में भी लीजिए। ऋषिकेश में रुकने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वहां पर चाहे तो प्राइवेट रूम ले लीजिए, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं हरिद्वार के लिए, वहां भी चार्जेस वही रहते हैं, करीब 500 रुपये से 1000 या 1500 रुपये तक का आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा। लेकिन ऋषिकेश रामझूला के आसपास प्राइवेट रूम की अवेलेबिलिटी कम है। ऋषिकेश के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, रामझूला के आसपास कोई भी होटल आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। लेकिन रामझूला के ही पास में ही परमार्थ निकेतन है जो एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पर भी आपको रूम की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा गीता भवन और बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहां आपको कम बजट में रुकने की सुविधा मिल जाएगी। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द कंट्री कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर योगा किया जाता है। मॉर्निंग में अगर आप 10 या 11 बजे ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो आप इस दिन नीलकंठ जा सकते हैं। नीलकंठ जाने के लिए आपको टैक्सी लेनी होगी जो ऋषिकेश में बने टैक्सी स्टैंड से आपको मिल जाएगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पैदल ही जाना होगा। वहाँ टैक्सी वाले चार्ज करते हैं एक पैसेंजर का करीब 150 रुपये, जिसमें जाना और आना दोनों का किराया इंक्लूड रहता है, और 1 से 1.5 घंटे में वो आपको नीलकंठ तक पहुँचा देंगे। और आपको टाइम देंगे 1.5 घंटे का कि आप 1.5 घंटे में दर्शन करके आइए, उसके बाद वो आपको वापस ड्रॉप करेंगे। बाकी डिपेंड करता है वहाँ की भीड़ पर, कितना क्राउड है, कितना रश है वहाँ पर, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देने वाले हैं। जनरली 1.5 से 2 घंटे तक का टाइम वो प्रोवाइड कर देते हैं अपने पैसेंजर्स को। नीलकंठ में दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है अगर आप मंडे वाले दिन नीलकंठ पहुँचते हैं तो, या फिर अगर सावन के मौसम में जाते हैं तो बहुत बड़ी लाइन वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सभी तरह का प्रसाद की शॉप वहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो गंगा जल हरिद्वार या ऋषिकेश से ला सकते हैं, नहीं तो वहाँ आपको वहाँ भी गंगा जल की कैन भरी हुई मिल जाएंगी। प्रसाद भी हर तरह का वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं और नीलकंठ बाबा पर जल चढ़ा सकते हैं। नीलकंठ में भी खाने पीने के रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपना लंच भी नीलकंठ में ही कर सकते हैं और चाहें तो वापस नीचे आकर ऋषिकेश में भी कर सकते हैं। वापस आते वक्त मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, मैंने पहले वीडियोस में भी यही बताया था कि वापस आते वक्त आप चाहें तो लक्ष्मण झूला ही उतर जाइए, क्योंकि जिस टैक्सी से आप आए हैं वो टैक्सी लक्ष्मण झूला होते हुए राम झूला आपको वहाँ ड्रॉप करेगी। तो बेटर रहेगा कि आप राम झूला ना जाकर रास्ते में लक्ष्मण झूला ही उतर जाइए। इसके लिए आपको ड्राइवर से पहले बोलना पड़ेगा, वो आपको लक्ष्मण झूला ही ड्रॉप कर देगा। लक्ष्मण झूला ड्रॉप करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लक्ष्मण झूला घूमने आने के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मण झूला के आसपास भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, आप चाहें तो वो घूम सकते हैं। मार्केट बहुत अच्छा है, वो भी घूम सकते हैं। लक्ष्मण झूला से वापस शाम को घर आते वक्त यानी रूम पर आते वक्त आप पैदल ही वॉक करते हुए राम झूला तक आ सकते हैं। वहाँ पर आपको बीच में किसी भी तरह की फैसिलिटी रिक्शा या ऑटो की नहीं मिलेगी, बट वो रास्ता इतना अच्छा है, इवनिंग में जब आप आएंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पर देश विदेश बहुत से अलग अलग देशों के श्रद्धालु सैलानी वहाँ पर आपको बाय वॉक जाते हुए मिल जाएंगे। इवनिंग में अगर आपके पास समय बचता है तो आप ऋषिकेश के बहुत अलग अलग मंदिर भी घूमने जा सकते हैं, जैसे शत्रुघ्न टेम्पल, श्री भारत मंदिर, कुंजापुरी देवी टेम्पल, नीलकंठ महादेव तो आप ऑलरेडी घूम ही आए हैं, भूतनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, स्वर्ग निवास और हनुमान मंदिर जैसे बड़े बड़े मंदिरों में आश्रमों में आप घूमने जा सकते हैं। ऋषिकेश में भी खाने पीने की किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि ऋषिकेश में भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, होटल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको किसी भी तरह की खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। चोटी वाला रेस्टोरेंट ऋषिकेश रामझूला के पास भी अवेलेबल है। इसके बाद नाइट स्टे आप ऋषिकेश में ही कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका day 2 और हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही आपके इन 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहें तो उसी दिन रिटर्न हो सकते हैं, अगर आपके पास समय कम है तो आप 2 दिन में ही वापस घर जा सकते हैं। बट अगर आप 1 दिन और एक्स्ट्रा लेकर आए हैं यानी 3 दिन, तो मैं आपको 3rd दिन लेकर जाने वाला हूँ मसूरी। अब बात करते हैं day 3 की। day 3 में अगर आप मसूरी घूमने जाना चाहते हैं तो आप या तो day 2 में नाइट में हरिद्वार वापस आ जाइए, वहाँ पर रात को स्टे कर लीजिए, या फिर day 3 में
अर्ली मॉर्निंग आप हरिद्वार पहुंच जाइए। डे थ्री में मसूरी जाने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप पहले दिन हरिद्वार में मौजूद होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं, वहां पर बहुत सारे ऑफिसेज बने हुए हैं ट्रैवल एजेंसी के, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डेली ऐसी बसेस चलाते हैं जो एक दिन में मसूरी घुमाकर वापस लाती हैं। आप उनसे टिकट बुक कर सकते हैं अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए। एक टिकट का वो चार्ज करते हैं 180 रुपये। 180 रुपये में उनकी बसेस करीब सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अलग अलग टाइमिंग पर बसेस चलती हैं। जो टाइमिंग आपको सूट करे उस टाइमिंग पर आप अपना टिकट बुक कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो बस आपको कहाँ कहाँ घुमाकर लेकर आती है। वो करीब मसूरी की 5 से 6 साइट्स कवर करते हैं, जिसमें मसूरी झील, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, मसूरी माल रोड, मसूरी कैंपटी फॉल और इसके अलावा देहरादून की फन वैली भी वो घुमाकर लाते हैं। उसके बाद वापस आते वक्त आप चाहें तो जहाँ भी चाहेंगे वो आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे, जिस भी जगह आप चाहेंगे वहाँ ड्रॉप कर देंगे। अगर आप देहरादून आना चाहते हैं तो आपको देहरादून ही वो ड्रॉप कर देंगे। अगर आप वापस उसी लोकेशन पर आना चाहते हैं जहाँ से आप चले थे हरिद्वार, तो आपको वहाँ पर भी आकर वो ड्रॉप कर देंगे। बट ये एक दिन की जो जर्नी होती है इसमें बहुत सारी वो जगह अलग अलग जगह आपको घुमाएंगे, वो अपने आप में काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। इसके लिए आपको मसूरी में अलग से स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास समय कम है तो आपके लिए ये बेटर टूर रहने वाला है। 3 दिन में आप हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ और मसूरी सभी जगहों को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 नाइट का स्टे करना पड़ेगा और बाकी 3 दिन आपको वहां पर बिताने होंगे। और इस पूरे टूर के बजट की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा करीब 2 लोगों का 5 से 6 हज़ार के अंदर या उससे काफ़ी कम में ये पूरा टूर कम्प्लीट हो जाएगा। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।